नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेनई न्यूज। असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने जबरदस्त तरीके से एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने जो बातें कही है ना, वे एक तरह से बहुत बड़ा ताना है, वो एक तरह से बहुत बड़ा जो है निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, इन दिनों राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे के बीच जंग चल रहा है, और तीसरी तरफ नवनीत राणा को लेकर महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं कि लाउड स्पीकर अजान को लेकर जो है अब विवाद थमने का नाम ले ही नहीं रहा। राज ठाकरे ने यह ऐलान किया था कि वो अयोध्या आने वाले हैं, उसको लेकर बीजेपी अलग ही घमासान मचाई हुई है यूपी में, क्योंकि बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि कुछ भी हो जाए, जब तक माफी नहीं मांगेंगे राज ठाकरे, उनकी एंट्री यहां नहीं होगी, ना ही उन्हें आने देंगे, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इन सब के बीच में अब असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोचो, मेरा तो एक सांसद भी है, तुम तो बेघर हो, तुम्हें तो कुछ नहीं है, सोचो तुम्हारा क्या होगा। यानी कि वो ये खुलकर ये कहना चाह रहे हैं, जुबानी भाषा में उन्होंने जो निशाना साधा है ना, उसको ऐसे समझना बेहद जरूरी है कि वो खुलकर ये कहना चाह रहे हैं कि असदुद्दीन साहब सांसद हैं और एमएनएस चीफ यानी राज ठाकरे सांसद तो है नहीं, आ रहा उसके पार्टी के कोई सांसद है, इसीलिए उन पर निशाना साध रहे कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं। ये जुबानी जंग तो ठीक है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या उनके भाई हो या फिर राज ठाकरे हो, जो आज देश में ये लोग कर रहे हैं वो वाकई में देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग अजान, लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी कहीं से ठीक नहीं है। अब देखना ये होगा कि आखिर इनके भाई ने इससे पहले भी बड़ी धमकी दी थी देश में, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि किस तरीके से सिर्फ पुलिस को अलग कर लो, रोड पे सड़कों पे उतरने दो, हालांकि उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो ये लोग जो जहर उगलने वाले लोग हैं, चाहे वो राज ठाकरे हों, क्योंकि इनकी भी इन्होंने भी धमकी दिया उद्धव ठाकरे को, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं। भाई ये लोग बड़े लोग हैं, इस पे कानून का कानून कहाँ काम करती है, असदुद्दीन ओवैसी पे कानून कहाँ काम करती है। जहरीले बोल उगलते हैं ये लोग, इनके भाई उगलते हैं, इन पे कामकाज नहीं होता है। कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, सरकार गरीबों पर अत्याचार करने के लिए सिर्फ बैठी हुई है। बहरहाल देखते हैं कि आखिर ये लोग जो तहलका मचा रहे हैं, इस पर कार्रवाई कब होती है और कैसे होती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने जो बयान दिया है वो बेहद ही कहीं ना कहीं एक तरह से धमकी भरी है। राज ठाकरे का इस पर क्या रुख रहता है ये भी देखना होगा, क्योंकि राज ठाकरे फिलहाल तो वो बीजेपी से ही जो है संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो अयोध्या कैसे जाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। कोई नेता उनका साथ दे रहा है तो कोई उनका साथ नहीं दे रहा। इन सबके बीच में असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने जमकर निशाना साधा, हमला बोला। देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने जो कहा है उस पर राज ठाकरे यानी एमएनएस चीफ की तरफ से क्या कुछ बयान आता है और क्या उन पर कुछ कहेंगे, ये बड़ा वाला है। और दूसरी तरफ हम सब देख रहे हैं ज्ञान बाबरी मस्जिद को लेकर देश में किस तरीके से एक नई बहस छिड़ गई है, जिससे जनता का कोई भला नहीं है, क्योंकि जनता के भला के लिए अगर सरकार फिक्रमंद होती तो महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करती, क्योंकि आज चरम पर है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज। नमस्कार।